अभी ये जो पार्ट है इसके लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू प्लेन सेलेक्ट करता हूँ अलोंग दिस एज, फ्रॉम प्लेन की जगह पे फ्रॉम सर्कल सेलेक्ट किया, बेस एज मैंने ये सेलेक्ट की, अप्लाई, रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस एंगल 90 डिग्री एंड देन जनरेट। फिर से एक बार न्यू प्लेन, फ्रॉम प्लेन की जगह पे फ्रॉम सर्कल इलिप्स बेस एज ये वाली अप्लाई, रोटेट अबाउट वाई एक्सिस एंगल 90 डिग्री एंड जनरेट। ये हमने प्लेन क्यों नहीं लिए वो हम देख लेते। हमने इस ये पार्ट के लिए किया था पहले। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो एज है वो एज यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये प्लेन प्लेन 6 एंड प्लेन 7 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 की जगह पे यहाँ पे 6 आपको एजेस मिल जाती थी, 1 2 3 4 5 और 6। इसलिए हमने यही वाले पार्ट को स्लाइस किया, इसके जो प्लेन्स है वही प्लेन्स ये पार्ट के लिए लिए। तो ये प्लेन 6 मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। प्लेन 7 भी डिलीट कर देता हूँ। कौन से भी सॉफ्टवेयर में 3D मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं, एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में जो भी पार्ट ज्वाइन होता है तो वह एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आप सिलेंडर वगैरह ड्रॉ करते हो तो आपको 2 एजेस इसे मिल जाएंगी, ये वाली और ये वाली, तो वो आपको डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे भी देखोगे तो ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 प्लेन्स बनाए, स्लाइस सिलेक्ट करता हूँ मैं, प्लेन 8 सिलेक्ट किया, अप्लाई, ऑल बॉडीज की जगह पे सिलेक्टेड बॉडीज, बॉडी मैंने ये सिलेक्ट की, अप्लाई एंड देन जनरेट। ठीक है, फिर से फॉर प्लेन 9 स्लाइस सिलेक्ट किया, प्लेन 9 सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई, ऑल बॉडीज की जगह पे मैं सिलेक्टेड बॉडीज सिलेक्टेड फर्स्ट एंड सेकेंड, अप्लाई एंड देन जनरेट। यहाँ पे आपको 4 बॉडीज मिल जाएंगी। ये आपको फिर से क्या करना है, फॉर्म एज अ न्यू पार्ट। यहाँ पे हमने शायद फॉर्म एज अ न्यू पार्ट नहीं किया, तो एक ही पार्ट के लिए किया था। ये एक बार फिर से कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट क्लिक करके फॉर्म न्यू पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट क्लिक करके फॉर्म न्यू पार्ट, सेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट क्लिक करके फॉर्म एज अ न्यू पार्ट। तो वहाँ पे आप फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर के जो फेसेस है वो एज अ फेस मशीन के लिए लिए होंगे उन्होंने, फॉर्म एज अ पार्ट क्या करो। ठीक है, ये भूलो मत, फेस मशीन राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे मेश पे क्लिक करो, शो मैपेबल फेसेस, 84 फेसेस से अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे सेम ही है अभी, एक बार अपडेट कर लो। बाद में एक बार फिर से चेक कर लो,
राइट क्लिक करके फिर ये वाला पार्ट हम सप्रेस कर देते हैं। पार्ट 4 राइट क्लिक करके सप्रेस बॉडी। एक बार फिर से अपडेट कर दो, नो प्रॉब्लम। राइट क्लिक करके शो मैपेबल फेसेस, फेस मशीन में अभी 76 फेसेस है एंड देन अपडेट। 84 फेसेस थे तो अभी वो कम हो गया। एज साइजिंग बराबर है, बॉडी साइजिंग भी बराबर है, एक्स डोमिनेंट भी बराबर है। राइट क्लिक करके अनसप्रेस ऑल बॉडीज। अभी हम ये बॉडी के लिए मशीन देखेंगे, तो मैं अभी ये पार्ट सप्रेस कर देता हूँ, या फिर ये वाला सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सप्रेस ऑल अदर बॉडीज। सेम आपको प्रोसीजर करने पड़ेगी। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंसर्ट साइजिंग कर देता हूँ, अप्लाई, 2 mm की साइज देता हूँ, उसके बाद इंसर्ट मेथड, पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, अप्लाई, ऑटोमेटिक की जगह पे हेक्साडोमिनेंट, उसके बाद एक बार अपडेट कर देता हूँ कैसे हो रहा है देख लेते। यहाँ पे आपको साइजिंग डालनी पड़ेगी, एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, डिवीजन। राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट साइजिंग, यहाँ पे मैं एज साइजिंग, ये एज, ये एज, ये एज, एक्सटेंड टू लिमिट्स, अप्लाई, एलिमेंट साइज की जगह पे नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ एंड देन अपडेट। सेम यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये 3 सिलेक्ट किया, इसके बाद एक्सटेंड टू लिमिट्स, अप्लाई एंड अपडेट। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, टोटल 16 एजेस मैंने सिलेक्ट किए। यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे फेस मशीन करके, राइट क्लिक करके शो मैपेबल फेसेस, इंसर्ट फेस मशीन एंड अपडेट। यहाँ पे होल है इसलिए वो तो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेगा।
यहाँ पे क्वाड ट्राई की जगह ऑल क्वाड कर देता हूँ एंड अपडेट। राइट क्लिक करके सिलेक्ट अनसप्रेस ऑल बॉडीज, अभी हमारा तीन बॉडीज पे हुआ है। एक दो तीन बॉडीज हुए, अभी हम ये वाली बॉडीज को देख लेते हैं, ये वाला नीचे। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, इसके लिए ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये पार्ट, ये पार्ट, राइट क्लिक करके जनरेट मेश ऑन सिलेक्टेड बॉडीज। अभी कभी भी रेक्टेंगुलर वगैरह प्लेट रहेगी तो यहाँ पे आपको तीन डिवीजन चाहिए, दो भी चल जाता है पर बेसिकली मिनिमम तीन कर दो, रिजल्ट आपको ज़्यादा अप्रोक्सीमेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट में साइजिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एज सिलेक्ट करता हूँ, ये एज और ये एज सिलेक्ट की, अप्लाई, एलिमेंट साइज की जगह पे नंबर ऑफ डिवीजन सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे तीन डिवीजन मैंने सिलेक्ट किए। अपडेट मत करो, राइट क्लिक करके आपको टोटल अभी सभी पार्ट्स को मिशन हुआ। इंसर्ट साइजिंग, दिस पार्ट है, दिस पार्ट, अप्लाई, साइजिंग में 2 mm, देन अपडेट। सेम इसके लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट अभी एक्सा डोमिनेंट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट किया, अप्लाई, ऑटोमेटिक जगह पे एक्स डोमिनेंट मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक करके साइजिंग, एलिमेंट साइज 2 mm एंड देन अपडेट। देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप क्वालिटी देखोगे तो अच्छी है, अराउंड 1 तक। सेम अभी इसके लिए भी कर देते, आप इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये बॉडी, अप्लाई, बॉडी साइजिंग 2 bodies, अप्लाई एंड देन अपडेट। अभी यहाँ पे क्वालिटी सेम ऑलमोस्ट 1 तक है, अभी सिर्फ बोल्ट रह गए स्क्रूज। स्क्रूज को हम डायरेक्टली मेथड में हेक्स डोमिनेंट सिलेक्ट कर देते, ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 6 7, टोटल 7 है। इसको अप्लाई करता हूँ ऑटोमेट की जगह पे हेक्स डोमिनेंट एंड अपडेट। ओके, तो इस तरह से आपको मेशिंग करना है। आप साइजिंग कम कर सकते हो इसके,
आपको चाहिए तो। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, यू कैन मैसेज मी और यू कैन मेल मी। थैंक यू।